नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चौथी कक्षा के लिए समर क्विज 2 में आए प्रश्नों के सही उत्तर पता लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अनुस्वार, जिस अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, तो इसमें जो अनुस्वार है वो है दंत, दंत, और हंस, आँख, और सांप। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा नाक के साथ साथ मुंह से भी अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो ये सभी अनुनासिक हैं और दंत अनुस्वार है। अगला प्रश्न है, शेर ने गहरी सांस ली वाक्य में शेर शब्द क्या है। तो शेर है हमारा संज्ञा। तीसरा प्रश्न है, हमें बड़ों का खालिस्तान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। आगे है, कम बोलने वाला कहलाता है। कम बोलने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं मितभाषी। आगे है, समाज जमा में इक को मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा। ये बनेगा सामाजिक। यहां आप सामाजिक मत कर देना, ये होगा सामाजिक। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। हमें वर्ब यानी क्रिया का पता लगाना है कि यहाँ कौन सी क्रिया है, क्या काम हो रहा है। आई सा माई फ्रेंड एट द मॉल। मैंने अपने दोस्त को मॉल में देखा। क्या किया, देखा। सा जो है वो वर्ब है। आगे है, विच इज नॉट ए नाउन इन द गिवन सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा नाउन नहीं है। देयर वर ए ह्यूज स्पाइडर क्राउलिंग अक्रॉस माई बेड। तो यहाँ देखते हैं स्पाइडर, जी हाँ यह नाउन है, मकड़ी। क्राउलिंग यह नाउन नहीं है। क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना, यह एक क्रिया है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। दे वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, वे क्लास में उपस्थित नहीं है। वे, दे यहां पर प्रोनाउन है। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब हमें विशेषण का पता लगाना है। सी वाज ड्राइविंग ए ब्यूटीफुल कार। वह एक सुंदर कार चला रही थी। ऐसी कार थी सुंदर, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो शब्द है वो है विशेषण, एडजेक्टिव। दसवां प्रश्न, फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। फिर से हमें विशेषण का पता लगाना है। माई मदर कुक डिलीशियस फूड। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। तो ये जो डिलीशियस शब्द है ये है विशेषण, एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है, ऊपर ऊपर उड़कर जाता किंतु नहीं पंछी कहलाता। नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। यहाँ हवाई जहाज का चित्र दिया है। तो ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हैं यह हैं पायलट के बारे में। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से गलत जोड़े को छांटो। तो यहाँ डॉक्टर, स्टेथोस्कोप और इंजेक्शन। इंजेक्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो जोड़ा सही है वैसे। आगे है, दर्जी सिलाई मशीन। मशीन भी गलत लिखा हुआ है, सुई। तो ये जोड़ा भी सही है। आगे है, अध्यापक डस्टर कंप्यूटर ब्लैकबोर्ड, यह भी सही है। आगे, राजमिस्त्री प्रेस कैंची सुई धागा।
राजमिस्त्री के पास इनका क्या काम? तो यह गलत है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यह जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे है, निम्न में से किस समूह के सभी खेल घर के अंदर खेले जा सकते हैं? तो कैरम घर के अंदर खेला जाता है, क्रिकेट और फुटबॉल अंदर नहीं खेले जाते, वॉलीबॉल, हॉकी, लूडो अंदर खेला जाता है, वॉलीबॉल और हॉकी बाहर खेले जाने वाले हैं, खो खो बाहर, कबड्डी बाहर, रस्साकसी बाहर, शतरंज, शतरंज वैसे गलत लिखा हुआ है, यहाँ शय ऐसा आएगा, शतरंज, लूडो, कैरम, तो यह सही है, ये सारे खेल अंदर खेले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अभिनव के दादाजी को कम दिखाई देता है, सही तरीके से देखने के लिए वह निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो बैंत का, या चश्मे का, चश्मा ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटर या व्हीलचेयर, तो वह चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो सही विकल्प है चश्मा। अगला प्रश्न है, गुरदीप के परिवार में उसके माँ, पिताजी, दादा, दादी, बुआ तथा उसकी छोटी बहन है, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हुई? तो गिनते हैं, एक तो गुरदीप हुआ, उनकी माँ, उनके पिताजी, दादा, दादी, बुआ और छोटी बहन, कितने सदस्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 सदस्य हुए, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान भरो 1000 पैसे, इनसे कितने रुपए और कितने पैसे बनेंगे? तो हम अभी देखते हैं, ये जो 1000 है इसको आप 100 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 10 आए रुपए और पैसे कितने आए? 0, तो हमारा विकल्प 10 रुपए 0 पैसे, यह सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपके पास जो छोटा सा स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं, वह आधे फुट का होता है, तो 1 फुट में हुए 30 सेंटीमीटर। आगे है, दी हुई संख्याओं को घटाओ, तो इन्हें घटाते हैं, यहाँ आया 6, 4 और 8 में से 4 गए 4, तो सही ऑप्शन है 446। आगे चलते हैं, गिनतारे पर दर्शाई गई सही संख्या बताओ, तो ये 1000 लिखा है, ये होता है 1000, ये होता है हमारा सैकड़ा यानी कि 100, ये होता है दहाई और यह होती है इकाई। तो यहाँ देखिए, 1000 में कितने हैं, 1000 में हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2, उसके बाद सैकड़ा 4, दहाई में 1 और इकाई में 3, तो हमारी संख्या बनी 2413 है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? तो एक वर्ष में 31 दिन वाले महीने होते हैं 7, 7 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।